Hey guys, welcome back to the Future Wheel. This is your Varun Prajapati. And today we are going to continue a new topic that is sense of four. Guys, ये topic ऐसा है जिसमें हम लोग काफी ज्यादा confused हुआ करते हैं. हम लोग सोचते हैं कि क्या निश्चित है, क्या अनिश्चित है, कहाँ ये use होगा, कहाँ नहीं होगा, किस तरीके से हम इसे importance देते हैं. आज हम उसी चीजों को discuss करने जा रहे हैं with reference to हमारे tenses को भी. ठीक है, आज हम बात करेंगे sense of four जो mean एक तरीके से देखा जाए हमारे एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें काफी ज्यादा डाउटफुल जो रहता है. स्टूडेंट कहते हैं कि ये जो चीज है जो हमें अपने एग्जाम्स में काफी डाउट देता है. ठीक है, आज हम उन्हीं डाउट को खत्म करने वाले हैं. ठीक है, और बात करने वाले हैं सेंस ऑफ फोर की जो जड़ है, वो जो परेशानी की जड़ है, उसे हम आज खत्म करेंगे. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर लेट्स स्टार्ट द क्लास. चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, देखिए फर्स्ट लेक्चर में हमने एक चीज जानी थी, दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूस. आई गेट इट. तो इसमें हमने एक चीज जानी थी माय डियर कि परफेक्ट कंटिन्यूस होता क्या है, तो चीजों को रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है, देखो तो जो चीज परफेक्ट एंड कंटिन्यूस है, परफेक्ट हमने क्या कहा था कि रिसेंटली पास्ट इवेंट. माय डियर क्या कहा था हमने, रिसेंटली पास्ट इवेंट जो हमारा परफेक्ट था. क्या था, परफेक्ट था. वो क्या कहता है कि रिसेंटली पास्ट इवेंट, यानी कि पास्ट का वो हिस्सा जो अभी अभी गुजरा है. क्या है, अभी अभी गुजरा है, तो उसे हम कहते थे परफेक्ट. और कंटिन्यूस क्या है कि जो चीज रनिंग में है, जो चीज सिनेरियो मतलब रनिंग सिनेरियो में है, उसे हम कहते थे परफेक्ट कंटिन्यूस. या फिर अगर दोनों को मिलाकर हम एक डेफिनेशन तैयार करने की कोशिश करें तो हम क्या कह सकते हैं उसे, हम कह सकते हैं कि पास्ट का ऐसा हिस्सा, यानी कि हम सेंटेंस में क्या देखते हैं कि कोई भी एक्शन जो है, क्या है एक्शन जो है, वो स्टार्ट तो हुआ था हमारे पास्ट में. क्या माय डियर, स्टार्ट हुआ था हमारे पास्ट में, लेकिन कंटिन्यू अभी भी वो प्रेजेंट में है. क्या है, कंटिन्यू अभी भी वो प्रेजेंट में. तो हम देखते हैं कि जो हमारा पास्ट और सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो डेफिनेशन कहती है वो यही कहती है कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस में जो एक्शन है वो ये बताता है कि कोई भी एक्शन पास्ट में तो स्टार्ट हुआ था, यानी कि जो उसका इनिशियल पॉइंट था माय डियर, इनिशियल पॉइंट था वो था हमारा पास्ट में, बट उसका जो कंटिन्यू प्रोसेस है वो अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है. किसमें, प्रेजेंट में चल रहा है. तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्हाटएवर एक्शन हैज स्टार्टेड इन पास्ट सॉरी पास्ट एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट, यानी कि कोई एक्शन स्टार्ट तो हुआ था हमारे पास्ट में लेकिन कंटिन्यू है वो अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यू कर रहा है. ठीक है, तो अब क्या करता है, तो पास्ट कंटिन्यू हमने जो परफेक्ट कंटिन्यू है उसमें एक चीज देखी थी, परफेक्ट कंटिन्यू में एक चीज देखी कि समय बताता है हमें, क्या करता है समय बताता है कि कोई भी चीज पास्ट में जो स्टार्ट हुई थी वो कितने समय से हुई थी, उसका समय डोनेट करता है. क्या करता है हम, और उस समय को दो तरीके से डोनेट करते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारा सेंस ऑफ फोर. क्या हमारा, एक है सेंस और एक है फोर. यानी कि परफेक्ट कंटिन्यू हम दो तरीके से समय को दर्शाते हैं माय डियर. क्या करते हैं, दर्शाते हैं परफेक्ट कंटिन्यू, वो है दो तरीके से, यानी कि सेंस और फोर को. अब यहाँ हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ करते हैं कि भैया कहाँ सेंस लगाएं और कहाँ फोर लगाएं, क्योंकि क्या है बच्चे कहते हैं कि भैया ये कोई निश्चित है या अनिश्चित है, क्या है हमें समझ में नहीं आता. तो हम चीजों को आज क्लियर करने वाले. ठीक है, तो आगे जानेंगे कि सेंस ऑफ फोर को हम कौन कौन सी स्टेजेस पे कहाँ कहाँ इसको यूज करने वाले हैं. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं. चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इन दोनों के यूजेस की, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंस की. क्या करते हैं, सेंस की. सेंस का पहले देखो, सेंस को भी हम कई तरीके से यूज करते हैं. सबसे पहले हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, ये कहाँ यूज होता है भैया, पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, और ज्यादा अच्छी तरीके से हम समझें तो हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक टाइम. क्या माय डियर, स्पेसिफिक टाइम. ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा एक चीज को समझ लेते हैं. देखो हमारे घर में कैलेंडर सबके पास होगा, क्या होगा माय डियर, कैलेंडर सबके पास होगा. ठीक है, अब देखो कैलेंडर में हम क्या क्या देख सकते हैं, हम कैलेंडर में क्या क्या देख सकते हैं. देखो हम डे देख सकते हैं, ठीक है, डेट देख सकते हैं, ईयर्स देख सकते हैं माय डियर, ईयर्स देख सकते हैं. ठीक है, मंथ्स देख सकते हैं. ठीक है, और क्या देख सकते हैं, ऑकेशंस. क्या मीडिया, ऑकेशन. यानी कि जिसके घर में भी कैलेंडर है तो वहां छाप दीजिए कि ये सिर्फ भैया सिंस का है.
किसका ये सिंस का है, कैलेंडर से बना हमारे सिंस के लिए। डेज अगर पता करने अगर हमारे क्या नाम है सेंटेंस में डेज आ गए तो भैया वहां लगेगा सिंस, डेट आ गई तो सिंस, ईयर आ गई तो सिंस, मंथ आ गई तो सिंस, ऑकेशन आ गई, ऑकेशन का मतलब कोई भी ऐसा त्योहार जैसे हमारा दिवाली हो गया, होली हो गया, ठीक है, दिवाली ठीक है, होली वगैरह वगैरह, ठीक है, ऐसे ऑकेशन आ गए तो हम क्या ये क्या यूज करेंगे अपना सिंस को, ठीक है, सिंस को यूज करने वाले। आगे हम बात करें जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, डे डेट्स, ठीक है, मंथ्स हमारा हो गया, और क्या हो गया ईयर्स, और हो गया ओकेशंस, ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला यूज का आइडिया, क्या हो गया पहले यूज का। दूसरे यूज की बात करें तो दूसरा यूज आता है हमारा पार्ट्स ऑफ डेज माय डियर, पार्ट्स ऑफ डेज, यानी कि कोई दिन होता है जैसे संडे हो गया, मंडे हो गया, मतलब कोई भी दिन हुआ उनके पार्ट्स का, पार्ट्स कैसे, जैसे हो गया हमारा मॉर्निंग, ठीक है, इवनिंग, ठीक है, और हम किसके और डाउन, ठीक है, तो ये हमारा हो गया पार्ट्स ऑफ डेज, ठीक है। तीसरे तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करें तो हमारा आएगा माय डियर स्टेजेस ऑफ लाइफ, स्टेजेस ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ लाइफ हमको किस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे हमारा हो गया चाइल्डहुड, ठीक है, एक हो गया हमारा एडल्टहुड, तो यानी कि सिंस को समझने के लिए, सिंस को समझने के लिए हमारे पास तीन उपाय हैं, क्या है तीन उपाय, सबसे कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम यानी स्पेसिफिक टाइम, तो हम क्या कह सकते हैं इसको स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम को हम एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या चीज है कैलेंडर, तो कैलेंडर में हम क्या क्या दे सकते हैं, कभी हम डेज दे सकते हैं, डेट ईयर्स मंथ एंड ऑकेशंस, ठीक है, तो यानी कि जितने भी पांच चीजें हैं वहां तो आना है भैया सिंस, ठीक है। अब वो पार्ट्स ऑफ डेज का यानी कि दिन के पार्ट्स का, ठीक है, तो हम देखो दिन में मॉर्निंग भी होती है, इवनिंग भी होती है, डॉन भी होता है, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है पार्ट ऑफ डेज, ठीक है, और स्टेज ऑफ लाइफ यानी कि स्टेज लाइफ की स्टेज जैसे चाइल्डहुड एडल्टहुड, तो ये तीन प्रकार से हम सिंस का यूज कर सकते हैं माय डियर, क्या कर सकते हैं सिंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फोर की तरफ, क्या बढ़ते हैं फोर की तरफ, चलिए माय डियर हम आगे और बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे फोर की, क्या करेंगे फोर की, ठीक है, फोर की यूज करें तो इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चीजें बहुत क्लियर है माय डियर, बस आवश्यकता है तो डीपली इसको समझने के लिए, ठीक है, तो फोर को हम कह सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी यूज करते हैं हम इसे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, हम किस किस तरीके से इसको समझ सकते हैं, तो सबसे पहला है हमारा इनडेफिनिट ड्यूरेशन, इनडेफिनिट ड्यूरेशन माय डियर, तो सबसे पहला हमारा क्या है इनडेफिनिट ड्यूरेशन, इनडेफिनिट ड्यूरेशन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया फोर आ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय तक ले, यहाँ पर जो लॉन्ग टाइम है वो डेफिनेट नहीं है माय डियर, क्या नहीं है डेफिनेट नहीं है, तो इसलिए हमने क्या कह दिया इसको इनडेफिनेट, क्या कर दिया इनडेफिनेट, देखो जो फोर है पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के साथ ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी बताता है, क्या डियर माय डियर ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी बताता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना भी है, ठीक है, ये क्या बताता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी बताता है, ठीक है, कि कोई जो चीज है वो कितने समय तक चली उसकी अवधि क्या है, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। अब दूसरी तरफ बात करें, दूसरी और बात करें तो हमारे पास जैसे हम बोल सकते हैं न्यूमरल प्लस टाइम वर्ड, देखो यहाँ चीजें समझने की है न्यूमरल प्लस टाइम, जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, जैसे मैंने लिख दिया फोर टेन ईयर्स, क्या लिख दिया फोर टेन ईयर्स, देखो न्यूमरल क्या कहता है कि कोई यहाँ नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए नंबर, तो यहाँ नंबर क्या है टेन, ठीक है, और टाइम वर्ड्स क्या है जो ईयर्स है, देखो जो वर्ड है ना जैसे मैंने लिख दिया ईयर, क्या है ईयर, तो जो ईयर तो ये क्या होगा सिर्फ एक की बात हो रही है, लेकिन अगर मैंने यहाँ एस लगा दी, एस लगा दी क्या मतलब क्या है देयर आर नंबर ऑफ ईयर्स, क्या माय डियर दिस वर्ड इंक्लूड नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि यहाँ काफी हो सकते हैं, काफी ज्यादा ईयर्स हो सकते हैं, डेफिनेट नहीं है ना, तो हम कह सकते हैं नंबर प्लस टाइम वर्ड अगर कहीं आ गया तो हम क्या यूज करेंगे माय डियर फोर, ठीक है। अब ये तो हो गया दूसरा, अब तीसरे की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं
कैलकुलेटेड टाइम, क्या बोल सकते हैं माय डियर? कैलकुलेटेड टाइम। अब कैलकुलेटेड टाइम में क्या कह सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया फॉर अ सेंचुरी, कैलकुलेटेड टाइम है, यस माय डियर कैलकुलेटेड टाइम है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर अ सेंचुरी। तो देखो सिंस का भी यहाँ क्लियर है, फोर का भी क्लियर है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं फोर को। फोर हमारा क्या कहता है भैया कि फोर एक ऐसी चीज है जो पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है, क्या करता है, पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ समय की बताता है, यानी समय की अवधि को बताता है कि भैया कोई चीज स्टार्ट हुई थी वो कितने समय के लिए चल रही है, यानी कि उसका अवधि क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, तो वो बताता है हमारा फोर। तो जहां जहां हमारे टेंस मैं अगर जो तीन चीजें दिख गई तो वहां भैया आना हमारा फोर, यानी कि इनफिनिट ड्यूरेशन, यानी कुछ डेफिनेट ड्यूरेशन नहीं है, वहां होगा हमारा फोर। और दूसरा कहता है कि समय के साथ साथ, यानी समय वर्ड के टाइम वर्ड के साथ साथ नंबर आ गए हमारे, यानी कि देखो आंख बंद करके यूज कर देना मैं फोर को, जहां नंबर दिखेगी 10, 5 यानी 5 days, ठीक है, और 3 days कोई भी आ गया, 10 years वगैरह वगैरह, यानी कि अगर नंबर भी क्या नाम टाइम वर्ड्स के साथ नंबर्स आ गए तो भैया आंख बंद करके क्या यूज कर देना फोर, ठीक है। अब तीसरा हम बात करें कैलकुलेटेड टाइम, जो टाइम कैलकुलेटेड है वहां भी फोर यूज होगा, ठीक है। अब सिंस की भी हमने बात कर ली, फोर्स की भी बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की जिसकी मदद से हम दोनों को क्लियर कर लेंगे, ठीक है, आगे कोई डाउट रहेगा नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों तो हम शुरुआत करते हैं कुछ मजेदार एग्जांपल्स की, जिससे हम अपने सिंस ऑफ फोर के यूज को और ज्यादा क्लियरली समझ सकें, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है हमारा आई हैव बीन वेटिंग हियर डैश 4 o'clock। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कैलेंडर में और टाइम हमें, देखो 4 o'clock क्या करता है, हमारा स्पेसिफिक टाइम बता रहा है भैया, क्या कर रहा है, स्पेसिफिक टाइम बता रहा है, क्या बता रहा है, स्पेसिफिक टाइम। तो सिंस हमारा क्या कहता है कि कहीं भी स्पेसिफिक टाइम बता दे तो उसे हम क्या किस कैटेगरी में रख देंगे, सिंस की, यानी कि 4 o'clock क्या बता रहा है, मैं सिंस बता रहा है, क्या बता रहा है, सिंस। तो हम सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, सिंस, ठीक है। दूसरा में बताता है कि अमित एंड राम हैव बीन लर्निंग इंग्लिश 6 years। मैंने अभी अभी बताया कि नंबर आ गया, कहीं आ गया टाइम वर्ड के साथ, अगर कोई नंबर आ गया, क्या आ गया, नंबर, तो नंबर किसका हो जाता है भैया, फोर का, क्या हो जाता है हमारा, फोर का। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि नंबर वर्ड, सॉरी नंबर प्लस टाइम वर्ड, वो किसका हो गया, फोर का। तो यहाँ आ जाएगा हमारा फोर। चीजें बड़ी बेसिक से है, सिंपल से समझना, ठीक है। थर्ड हमारा कहता है कि अकुल हैज बीन लिविंग इन दिल्ली, क्या कर रहा है, अकुल दिल्ली रह रहा है, वो कब से रह रहा है, 1998 से। तो ये क्या हमारा बताता है, स्पेसिफिक टाइम बताता है कि 1998 क्या है हमारा, एक स्पेसिफिक टाइम है। तो स्पेसिफिक टाइम हमें कौन बताता है भैया, वो हमारा सिंस, कौन हमारा, सिंस, यहाँ जाके सिंस, ठीक है। अब जैसे आगे मैरी हैज बीन सेविंग हर मनी, यानी मैरी अपने क्या कर रहा है, सेविंग्स कर रही है अपने पैसों का, वो कब से कर रही है, लास्ट जुलाई से, माय डियर क्या कर रही है, लास्ट जुलाई। तो जुलाई जो है वो लास्ट, यानी कि उसने स्पेसिफिकली कह दिया कि वो लास्ट जुलाई से क्या कर रही है, अपनी मनी को सेव कर रही है। तो स्पेसिफिक टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं माय डियर, सिंस, ठीक है। अब जैसे आ गया फिफ्थ वाला, कहता है कि आई हैवंट ईटन एनीथिंग ब्रेकफास्ट, यानी कि आई हैवंट ईटन एनीथिंग डैश ब्रेकफास्ट, यानी कि मैंने ब्रेकफास्ट से कुछ नहीं खाया है, ये पार्ट ऑफ डेज है। मैंने अभी अभी सिंस की में बताया था कि भैया पार्ट ऑफ डेज वो मैं किसका यूज बताता है, सिंस का। तो ये क्या कह रहा है कि सिंस सॉरी ब्रेकफास्ट से मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो उसने दिन का कोई पार्ट ले लिया, उसको बता दिया कि इस समय से मैंने कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर आ गया हमारा सिंस, ठीक है। आगे हम बात करें यू हैव बीन वॉचिंग टीवी डैश आवर्स। तो मैंने देखो अभी अभी आवर्स की यूज में क्या कहा था कि कहीं भी अगर जैसे ये आवर्स लिखा है हमारा, तो देखो जहाँ टाइम वर्ड है ऐसा में क्या दर्शाता है, नंबर ऑफ समथिंग, जैसे आवर है तो आवर के साथ हमने एस लगा दिया, क्या कर दिया, आवर के सामने हमने क्या लगा दिया, तो एक नंबर है, सिंपल सा वर्ड है, अगर हमने एस लगा दिया तो ये क्या है, दरअसल नंबर ऑफ समथिंग। तो नंबर क्या करता है, हमारा फोर क्या बताता है, नंबर प्लस टाइम वर्ड। तो टाइम वर्ड आवर क्या है हमारा, टाइम वर्ड है, आवर क्या है हमारा, और जो एस का क्या बताता है, नंबर्स, एस हमें क्या बता रहा है, नंबर। तो यहाँ क्या यूज हो जाएगा,
फोर, ठीक है। फोर हमें क्या होता है, नंबर प्लस उसका क्या नाम है टाइम कोड सात हो तो हमारा क्या आता है फोर, ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे लास्ट में चलते हैं, वी हैव बीन लिविंग हियर दिस मंथ। देखो अभी अभी मैंने क्या है नंबर दो आ गया साथ में और टाइम कोड आ गया मंथ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि अगर कहीं भी आपको संख्या दिख जाए, क्या दिख जाए संख्या, तो आंख बंद करके क्या लिख देना चाहिए भैया फोर, ये बहुत क्लियरली होगी, ठीक है। चलो आज हम इसी चीज को यहीं करते हैं समाप्त, आगे भी हम ऐसी चीजें आपके लिए लेके आते हैं ट्रिकी चीजें, ठीक है। होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी, अगर नहीं आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।